मुझे डायमंड सेट कब दिला रहे हैं? 6 माह गुजर गए शादी को। जानता हूँ, भूला नहीं हूँ अपना वादा। हालात कुछ ऐसे खराब हुए के। तो वादा क्यों किया था शादी से पहले? उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे और आपकी एक ही शर्त थी कि मुझे डायमंड का हार चाहिए, सो मान ली। पर तुम्हें पाने के लिए ये शर्त मामूली थी। शादी पे देने का वादा किया था? शादी से 3 दिन पहले कारोबार का दिवालिया निकल गया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हार नहीं मिला तो मैं चली जाऊंगी। तुम्हें डायमंड के हार चाहिए ना, तुम्हें डायमंड का हार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरी छोटी सी शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है। मुझे वैसे मुस्कुरा कर देखो ना, जैसे तुम शादी से पहले मुस्कुरा कर देखती थी। मुझे तुमसे वो प्यार चाहिए जैसा तुम शादी से पहले मुझसे करती थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि जैसे दुनिया में ही हूर मिल जाए, जन्नत में जाने की क्या जरूरत है। ऐसी बातें नहीं करती, काफिर हो जाओगे। इश्क करना कुफ्र नहीं, इश्क में फना ना हो जाऊं तो काफिर कहना। तुम्हें पता है कि तुमसे शादी के बाद मैंने रब से क्या मांगा था? क्या मांगा था? मैंने मांगा था कि जब मैं मरूं तो मेरी आंखों के सामने जो आखिरी चेहरा हो वो मेरे महबूब का हो। पागल हो पूरे के पूरे। जो तुम्हारी आंखों के समंदर में गर्क हो गया वो क्या जाने बंदगी क्या है, दीवानगी क्या। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर क्यों होती हैं? जैसे तुम्हारा हुस्न मेरी बर्दाश्त से बालातर है। और भी खिलौटता ये हुस्न अगर गले में 50 लाख का डायमंड होता। तुम्हारे हुस्न को किसी डायमंड की जरूरत नहीं है, मगर तुमसे वादा है कि डायमंड का हार तुम्हारे इस खूबसूरत गले की जीनत जरूर बनेगा। और मेरा दावा है कि हीरे की चमक तुम्हारे हुस्न की चमक में कहीं दब सी जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और मेरा वादा रहा कि तुम्हें 50 लाख का डायमंड का हार जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखना। पता नहीं वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे भी कि नहीं। जी आप अकबर मलिक की बीवी है ना? जी जी, ये मैं 50 लाख की रकम लाया हूँ आपके लिए। हाँ, मेरे लिए 50 लाख रुपए? मतलब किस चीज के लिए? जी मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ और ये इंश्योरेंस की रकम आपके लिए। आपके शोहर एक कार हादसे में चल बसे हैं। ऐसी बातें नहीं करती, काफिर हो जाओगे। इश्क करना कुफ्र नहीं, इश्क में फना ना हो जाऊं तो काफिर कहना।